गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, पूरी रात बूंदाबांदी हुई है, टप टपा लगा रहा है। देखिए, छत पे पानी भरा है हमारी पे हल्का फुल्का, और इधर कुछ काम हो चुका है, कुछ हो रहा है। बच्चों ने अपने कपड़े बैग वैग सब रेडी कर दिए। इधर आरती ब्रश कर रही है, और हालात देखिए हमारे घर के, चारपाई पे कपड़े। शाम का सीन एकदम अलग था। ये देखिए, इधर कपड़े, स्टोर में कपड़े, 2 दिन से कपड़े नहीं सूख रहा, यहाँ से उठा लिए गए कपड़े। देखो इधर आरती डाल रही है, क्या किया जाए भाई, कोई जगह ही नहीं बची है तो क्या करें। हेलो जी, गुड मॉर्निंग बच्चे राधे, बस काम हो चुका है मेरा, और नहाने का वेट कर रही हूँ। उधर हर्षित अभी निकला है मौसम, और हमारे यहाँ का मौसम तो इतना गड़बड़ाया हुआ है। किस किस के यहाँ का मौसम गड़बड़ाया है वो कमेंट, हाँ, कमेंट करके बताना। और इधर ब्रेकफास्ट हो चुका बच्चों का, लंच पैक कर लिया, और बस निकलना है स्कूल सुबह सुबह। आरती ने जल्दबाजी के चक्कर में स्वेटर भी नहीं डाला भाई। आलस बंद कर, आलस बंद कर, लिखो बैठो, अपना पाठ याद कर, अपना पाठ याद कर। मधु का भाई गया था फ्रेंड्स आज इंटरवल में। नमस्ते दादा, मधु पोती है आपकी, तो पढ़ने क्यों नहीं भेजते हो दादा? पेट पिलात रहा, पेट का हाथ पिलात है, आवाज नहीं निकलती दादा आपकी। हाँ, आवाज नहीं निकलती। क्या सर्दी हो गई है? नहीं, गला बैठ गया। हाँ। तो काढ़ा वगैरह पियो, काढ़ा वगैरह पियो। पेट तो नहीं पिरा रहा इसका, एकदम स्वस्थ है, चंगी खा रही है। देखो मधु, सही हो तुम बाबू, सही तो हो, कहाँ परेशान हो। परेशान होती चारपाई पे लेटती, दवा चल रही होती। तुम्हारा बेटा विशाल गया था इंटरवल में, तो मैंने कहा बेटा मैं छुट्टी में जाऊंगा, वही समय फिर छुट्टी का ही मिलता है हमारे पास। तो ये बीमार नहीं है, इसका पेट दर्द नहीं कर रहा है। मधु सच सच बताओ, कितना नुकसान हो रहा है तुम्हारा पढ़ाई का, ये बताओ भैया। आओ बैठो, चार पाई पे बैठो, बैठ के बात करेंगे। इधर आओ, उधर उधर बैठो, ऊपर बैठो, बैठो आगे। हाँ, अब बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें, स्कूल में कोई परेशानी है? कोई मारता पीटता है? कोई दिक्कत हो तो हमें बताओ, कोई अगर मारे पीटे स्कूल में तो हमका बताओ ना बेटा। अच्छा नहीं लगता स्कूल में? जोर से बोलो, जोर से, जोर, सच सच बताओ, सच सच बता दो, सच बता दो। घर पर किसी ने रोका तुम्हें कि ना जाओ पढ़ने? पेट पिरा रहा था, अम्मा कहना ना जाए, कल चली जाओ। पेट पिरा रहा, सच सच बोल रही हो? तब ठीक, कोई बात नहीं। हाँ तब सही है, तब ठीक है। लेकिन तुम्हारा भाई शिकायत करने गया, गए वो बहाना बना रही है और आती नहीं है पढ़ने। विशाल कौन मार मार के भगाता है? जी सर जी, अम्मा स्कूल भरती है। अम्मा कहाँ है तुम्हारी? अच्छा, वैसे मार मार के भगाती है? अच्छा, आज आज नहीं भगा रही ना, चलो कोई बात नहीं। परेशान है इसका भाई, ऐसे ही झूठ बोल रहा होगा मुझे लग रहा है विशाल। हाँ, झूठ ही बोला था। विशाल झूठ बोल रहा होगा, कोई बात नहीं। बाकी पढ़ाई हो रही है स्कूल में, बहुत ये समझो पूरी ताकत के साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर हम न पढ़ाते तो हम क्यों आते? तो तुम क्यों नहीं गई थी पढ़ने, ये बताओ। खाना बनता है। और पापा कहाँ है तुम्हारे बेटा? कमलेश कहाँ? कमलेश भैया रिक्शा चलाते हैं। फ्रेंड्स देखिए कितनी परेशानियां हैं भाई, समस्याएं हैं, और यहाँ हम लोग भी ध्यान देते हैं, कोई बच्चा नहीं जाता है तुरंत आके तलब कर लेते हैं। और मधु दादा की सेवा किया करो, ठीक है। देखो दादा का गला बैठ गया, काढ़ा बना के दो। बुजुर्ग घर में भगवान होते हैं, ठीक है। हाँ, और कुछ दवा गोली मंगवा दो ना, दवा गोली कुछ दिलवा दो। कमलेश लाए हैं दवा? तब ठीक है दादा, आराम है? कुछ है आराम, चलो अच्छा है, बढ़िया है। घर के चौकीदार होते हैं बुजुर्ग फ्री के, हाँ पूरी चौकीदारी फ्री फंड में करते हैं। बुजुर्ग साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं। हाँ, खूब सेवा होगी आपकी, ठीक है। हमने सबको जिम्मेदारी दे दी, कमलेश भैया को भी दे देंगे, विशाल, मधु, मधु बेटा दादा को समय से पानी खाना सब समय से दिया करो, ठीक है।
सबसे पहले खाना दादा को दिया करो मधु, ठीक है? दादाजी नहीं खाते। नहीं खाते? क्यों नहीं खाते? दादाजी तबीयत में अरे खाना तो फिर दलिया दो, जो तबीयत जो उनकी चले, मूंग की दाल है, दलिया जो भी खाए दिया करो, ठीक है? और सेवा किया करो, सिर दर्द हो दादा का सिर दबा दो, है विशाल पैर दबाए, बुजुर्गों की सेवा किया करो, ठीक है? और बोला तुम स्वेटर स्कूल का ये ना पहना करो, स्कूल का स्वेटर फिर गंदा कर लेते हो सारे दिन पहन के, फिर गंदे आते हो, ठीक है भैया? ठीक है दादा, फिर ध्यान दियो, कल से मधु को भेजना, ठीक है? हाँ ठीक, नमस्ते दादा। और भैया वो कहाँ है बच्चा तुम्हारा? इधर देखो भैया हमारे, बढ़िया अलाव के लिए बना रहे हो? अलाव की व्यवस्था या रोटी की है? नहीं रोटी तो गैस पे बनती है। अच्छा रोटी गैस पे बनती है, इससे अलाव तापा जाएगा, लकड़ी पे भी बन जाते हैं। हाँ जब गैस नहीं पे तो लकड़ी बन जाते, बिल्कुल। और सत्यम मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है, सत्यम मेरा पढ़ाया हुआ है और आज भी स्कूल टॉप कर रहा है, वो फर्स्ट ईयर में है सत्यम, कल भी मिला था देखो, वो भी लकड़ी की व्यवस्था कर रहा है। सत्यम बापू की सेवा करते हो कि नहीं? हाँ जी करते हैं। क्या सेवा में क्या करते हो? जी खाना वाना खाएंगे और बैठे रहते हैं इधर उधर बस। अच्छा अच्छा जी। खाना खिलाते हो, कभी हारे थके पैर दबाओ सिर दबाओ, है समय से खाना दो पानी दो। हाँ जी। और मम्मी क्या परेशान है तुम्हारी? जी मम्मी की तबीयत नहीं सही है उनकी। क्या बात है, वो चारपाई पे लेटी है? जी पता नहीं उनके हाथ में जलन सा हो रहा है काफी दिन से, उनका सही नहीं होता, कमजोर भी हो रही है भाई देखो ना जी। तो दबावा दिलाओ अच्छे से जी, दवा लखनऊ से भी लेके आए, बहराइच से भी लेके आए, कुछ फायदा नहीं कर रही। और जी तो निकला नहीं है। क्या दिक्कत क्या है, बुखार आता है या पेट वगैरह कुछ गड़बड़ है? जलन होता है हाथ और पैर में है, जलन होती है। तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ भैया, लखनऊ में दिखावा है, उन्होंने जांच सब करावा है लेकिन जांच कुछ निकलता नहीं है, किसी वैद्य को दिखाओ, वैद्य। हाँ बुखार नहीं है ना, ऐसे ही कमजोरी है वो है, खाली जलन होते। अच्छा जलन उल्टी आ जाते, तो किसी वैद्य को दिखाओ। खाना पचता है, डाइजेशन होता है? खाना वाना तो पचता है। हाँ कभी कभी बीच में सूख जाता है पेट में। हाँ सूख जाता है। अच्छा अच्छा, उसके बाद में जो है फिर लखनऊ से दवा ला रहे हैं तो पट्टी को मतलब। हाँ ना ना सेफ्टी करो भैया, थोड़ा खिलाई पिलाई पे ध्यान दो और जो है टहलना टूलना थोड़ा सा रखो, थोड़ा परहेज की चीजें खिलाओ सत्यम है। हाँ जी ठीक है भैया, मम्मी है तुम्हारी सेवा करो। जब तुम छोटे थे तो मैं आता था, जब तुम कच्चा दो में मेरे पास पढ़ते थे ना, तो तुम्हें डेली नैला धोजा के तेल काजल करके स्कूल भेजती थी जी। ठीक है, आज वो बुजुर्ग हैं परेशान हैं तो सेवा करना हमारा धर्म है, ठीक है भैया? हाँ और संध्या को रोज भेजा करो जी, वो जाते आज पता नहीं होने गए, हम मैंने भी ध्यान नहीं किया, मैं काम कर रहा था। ठीक भैया धन्यवाद। ठीक है बच्चों कल मिलते हैं फिर, नमस्ते भैया नमस्ते। ठीक है भैया हैं, ध्यान दिया करो, देखो समय मिलता है हम इसीलिए चले आते हैं, जो भी बच्चे हैं या अपनी मर्जी से नहीं आ रहे या फिर घर वाले नहीं जाने दे रहे, स्कूल आएंगे तो हम कुछ सिखा देंगे, सच बता रहे हैं। जब आएंगे नहीं तब आएंगे स्कूल बच्चे, डेली आएंगे तो हम रोज पर डे नई नई चीजें सिखाएंगे। ठीक है भैया, और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे उठा जा सकता है, मेहनत से कुछ नहीं होगा। ये जो देखो ये जो समस्याएं हैं, मिट्टी का घर, खपरेल, टीन शेड, ये सब सारा दूर हो जाएगा। नमस्ते भैया, बच्चों को भैया रोज भेजा करो समय से। ठीक है ठीक है, बाय बाय मोनू बाय। और ड्रेस स्कूल की नहीं पहननी है, घर पे घर की पहनो। हाँ ठीक भैया।